जान और माल का हिफाजत, ये तो जो जीरो टॉलरेंस का नीति रहा है, और पुलिस की नौकरी मेरी काफी लंबी रही है, कंटिन्यूअस फील्ड में ही रहा हूँ। ड्राइवर अगर कोई कार का है वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता, आज जो हेलीकॉप्टर का ड्राइवर है वो कार चला सकता है क्योंकि वो पायलट नहीं है। वही हालात डीआईजी साहब का है। डीआईजी क्या जानता है कि डेवलपमेंट का ABCD क्या होता है, उनके पास कोई पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। व्यवस्था तो अच्छा चलाए थे ना। मैं किसी भी फिगर पर, किसी भी लाइन ऑर्डर के मानक पर इन डीआईजी का तो मैंने शक्ल भी नहीं देखा। ये तो दिखाइए, हमको नहीं दिए। आज मैं जाना कि ये डीआईजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं हूँ राजन सिंह। आज हम यहाँ पे सड़क पे चलते चलते डीआईजी साहब ज्वाइन किए हैं, पूर्व डीआईजी हैं और हरीश जी हैं जो कि भाजपा ज्वाइन किए हैं। सर, 2024 का जो चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा रहेगा जो पब्लिक को जो है अब आने वाले समय में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखा जा रहा है इंडिया और एनडीए का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है। तो किस तरह से आप 2024 को आप देख रहे हैं? देखिएगा, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, MA राजनीति शास्त्र से किया हूं। सरकार के का परम दायित्व, टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। जान और माल की हिफाजत करना राज्य सरकार का प्रथम दायित्व होता है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो मुद्दा, मुख्य मुद्दा रहेगा, वो रहेगा जान माल की हिफाजत, दंगा ना होने पाए, बवाल ना होने पाए, अपराधी सर न उठाने पाए, अन्य कोई गुंडा माफिया किसी की भूमि पर अवैध कब्जा न करने पाए। नंबर वन, जान और माल का हिफाजत। ये तो जो जीरो टॉलरेंस का नीति रहा है, और पुलिस की नौकरी मेरी काफ़ी लंबी रही है, कंटिन्यूस फील्ड में ही रहा हूँ, शायद शब्द लगा रहा हूँ, इससे उपयुक्त माहौल पुलिस के लिए काम करने का कम सरकारों में देखने को मिला होगा। नंबर वन। नंबर दूसरी चीज, विकास। व्यवहारिक बात करिएगा, खुद अगर आपका अनुभव, अगर आप किसी गांव के रहने वाले तो अपने गांव से देखिएगा। मैं गांव का रहने वाला हूं, शुद्ध रूप से औरैया जिले के पास गांव पड़ता, वहां का रहने वाला हूं। सन 71 में जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मेरे गांव में एक घर पक्का हुआ करता था, पूरा गांव कच्चा था, कुल 300 की आबादी तब भी थी, अब भी होगी। आज की डेट में एक भी गाँव कच्चा नहीं है, और वो व्यक्ति जो बेचारे एक पक्की ईंट खरीदने का जिनका क्षमता नहीं था, न तब था न अब है, उनके सबके पक्के मकान बन गए। नंबर वन। नंबर दूसरी चीज, जो कुएं का पानी रस्सी से खींच करके पले बड़े, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे, आज के तारीख में हर घर में टेप का पानी पहुँच रहा है, 24 घंटे बिजली पहुँच रही है। खेतों में बम्बा नहर का अकेला साधन हुआ करता था, बिजली मुफ्त है। आज हरियाली देखेगा जा करके आप औरैया में, मैं कह रहा हूँ आप अगर गांव को तो अपने गांव से दिखे जा करके, एक भी दिन कोई नहीं रहता जिस दिन हरियाली न दिखाई देती हो। और क्या चाहिए, जानमाल की हिफाजत, तरक्की, खुशहाली, सुरक्षा, और शायद ये दोनों चीजें जो हैं वो। आप पूर्व DIG हैं, और इससे पहले आप देखेंगे कि जो इतिहास रहा है, बहुत सारे IPS भाजपा में ज्वाइन हुए और कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिला, तो उसको लेके आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कहीं हमें भी नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से इतिहास अगर देखा गया, जितने भी IPS अधिकारी अपने किस्मत को यहाँ आजमाने के लिए कोशिश किए, उनको अभी तक तो सक्सेस नहीं मिला। आपको आप किस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे, कैसे लग रहा है कि आप इसमें सक्सेस पा लें? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सफलता असफलता अपवाद जीवन का एक अंग है। असीम अरुण साहब भी IPS थे, विक्रम सिंह साहब भी IPS थे, ढेर सारे अधिकारी रहे हैं IPS से रहे हैं जो राजनीति में आए हैं, और सफलतम उनका खान सिंह भी अब आ गए, सुल्तान सिंह साहब भी आए गए, उमेश कुमार सिंह साहब भी आ रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं। अपवाद तो हो सकता है, सब जगह है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं यहीं है वहीं नहीं, हर जगह जीवन में जीवन का उतार चढ़ाव वाला है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ। पर मैं समाज सेवा के भाव से आया हूँ, पहली पारी भी मैंने अपने लाइफ की समाज सेवा के लिए गुजारी है,
और मैं ख़ास तौर से अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं, फख्र महसूस करता हूं कि आज जहां पे जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यह 4 साल तक मेरी कर्मस्थली रही है। यहीं के बगल में जहां लोक भवन बना है, यहां पर धरना स्थल हुआ करता, मैं 4 साल यहां ड्यूटी से। सरकार था उस समय 2007 से लेकर 2011 तक में, अब जो भी सरकार भी आपका नाप कर लीजिएगा, ठीक है। उस सरकार में क्या वो कानून व्यवस्था और इस कानून व्यवस्था में कोई फर्क आ रहा है? जीरो टॉलरेंस का जो इस समय मौजूदा गवर्नमेंट का है, मैं फिर वही कहूंगा कि सरकार का प्राइमरी दायित्व होता है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो भाव आम जनमानस में आज है, वो शायद सब लगा रहा हूं, इसके पहले की सरकारों में कम देखने को मिलता। क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि बीएसपी और भाजपा, जो सपा है, बीएसपी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन टक्कर एक ही दो ही पार्टियों में देखा जा रहा है, सपा और बीजेपी में। तो ऐसे में क्या लगता है किस मुद्दे को लेके बीजेपी आगे निकल जाएगी? और सपा जो है वो भी इस बार दावेदारी कर रही है कि हम युवाओं के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं, जो पेंशन जो नहीं मिला है उनके साथ है, तमाम चीज़ें दावेदारी कर रही है और लोग कहीं ना कहीं लुभा भी रहे हैं, सपा के तरफ जा भी रहे हैं, क्योंकि कुछ युवा जो जिस तरह से अग्निवीर जो योजना आया उससे नाराज दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक नाराज दिख रहे हैं, तो युवा, शिक्षक और पेंशन जो बुढ़ापे में, ये तीनों लोग अभी साथ नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से, आपके हौसले किस तरह से बुलंद है, आगे किस तरह से काम हो करने वाले? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में 2024 के में जीतने जा रही है और जीतेगी। जनता विकास, मैंने कहा कि हवा की बात मत करिएगा, अगर आप भी अपने गांव के तो अपने गांव का एग्जाम्पल देखेगा जा करके, गांव का आदमी कितना खुशहाल महसूस कर रहा है और गांव का आदमी कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है। यही राजधानी है, यही लखनऊ है। पुलिस के अधिकारी को बोनट पर बैठा करके चौक में पूरे में घुमा करके एसएसपी आवास के आगे छोड़ा गया था करके, आज की डेट में जहां पहले मुलियम आगे रहता था, पुलिस पीछे रहती थी, आज की डेट में वही बदमाश, वही क्रिमिनल, वही गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ जमानत कटा करके पुलिस का सिफारिश करते, भैया किसी तरीके से जेल से बाहर ना आने पाए, कुछ NBW वारंट, कोई बेल वारंट आरंट पड़ा हो उसको निकाल करके हमको अंदर करे तो हम सुरक्षित बनाओ। अवैध कब्जे, यही लखनऊ में मैंने देखा, यही राजधानी में देखा हूँ, गुंडों के द्वारा जमीनों पे किए गए कब्जे गुंडे ही छुड़वा पाए थे, पुलिस नहीं छुड़वा पाई थी। आज की डेट में हिम्मत हो, जनता क्या चाहती? जनता चाहती मेरी जान और माल हिफाजत रहे और विकास हो, और ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं। मैंने अपने गांव का एग्जाम्पल आपको दिया कि लालटेन में बैठ के पढ़ा, 5 किलोमीटर साइकिल चल के जाता था, कुएं के पानी से रस्सी बाल्टी से खींच के नहाया धोया, आज की डेट में पक्का मकान है, आज की डेट में हर घर में टेप के द्वारा पानी पहुंच रहा है, आज के डेट में 24 घंटे बिजली जा रही, और क्या चाहिए? रही बात अग्निवीर की, जो आपने कहा, रही बात अग्निवीर की, आंकड़ा उठा के देखिएगा, आंकड़ा उठा के, पढ़े लिखे आंकड़ा उठा के देखिएगा, जितना भर्ती हो रहा है पुलिस विभाग का, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कांस्टेबल हो, दो ही का भर्ती डायरेक्ट, चाहे डिप्टी एसपी हो, आईपीएस हो, तीन ही की डायरेक्ट भर्ती होती है, जितना पहले भर्ती होता था उससे ज़्यादा ही भर्ती आज हो रही है। पहले जो 3-3, 4-4 साल समय लग जाता था स्टेट पुलिस, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में, आज 1 साल के भीतर नोटिफिकेशन के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करके कैंडिडेट ज्वाइन कर ले रहा है। और युवाओं को क्या चाहिए? भर्ती का आंकड़ा उठा करके देख लीजिएगा, जितना पुलिस कांस्टेबली का, सब इंस्पेक्टर का भर्ती पहले हुआ है उससे 19 नहीं है, ज़्यादा ही मिलेगा संख्या के हिसाब से। बिल्कुल, आपने जो मेहनत किया, जमीनी स्तर से मेहनत किया, और आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचे भी, और फिर अब एक रास्ता आपने चुना है कि कहीं ना कहीं अब पहले पुलिस में रह के देश की सेवा किया, अब नेता बन के एक सेवा करेंगे, और उम्मीद है लोगों को आपसे, बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि आप ही से उम्मीद है कि आप सही करेंगे। और जो नेता हैं, कहीं देखा जा रहा है राजभर के बारे में बड़ा अटपटांग सी बातें आ रही हैं कि कभी उधर रहते हैं, कभी इधर रहते हैं, लेकिन आप पे लोगों को विश्वास रहेगा क्योंकि आपने देश की, देश हित में सेवा किया है, और जिस तरह से जमीनी स्तर पर आप बता रहे हैं कि आप सब चीज़ों को जानते हैं, गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है, और किसकी मदद करनी है, ये तमाम चीज़ें हैं, और इसको लेके आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी उम्मीद रहेंगी। तो पूर्व DIG हमारे साथ थे, और जो कि भाजपा में ज्वाइन किए हैं, और भी सारे लोग हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानेंगे कि क्या, किस तरह का 2024 का माहौल रहेगा। अभी हम पूछते हैं, भाई साहब यहाँ पे चाय पीने आए हैं, छोटा सा एक सवाल है, अभी देखा होगा कि पूर्व DIG भाजपा में ज्वाइन किए हैं,
तो उनका साफ तौर से कहना है कि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, गाँव में काम हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ ये भी माना जा रहा है कि अगर इतिहास उठा के देखा जाए 2014 से, तो 2014 में अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो जो सीटें थी बिल्कुल भी नहीं था। 2019 में सपा के बदौलत 10 सीटें आ गई थी। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि सपा और भाजपा का सीधे सीधे टक्कर है। कांग्रेस जो है, जिस तरह से कांग्रेस अभी उनसे बातचीत किया था कि कांग्रेस भी ये साथ में रहेगी, लेकिन साफ तौर से मना कर दिया अखिलेश यादव ने कि हम कांग्रेस के साथ जब रहेंगे, जब 65 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, सपा लड़ेगी और बाकी अन्य पे गठबंधन की होगा। तो अब ऐसे में कांग्रेस पे भी तमाम सब बातें आ जाती कि कांग्रेस सपा के साथ लड़ाई जो सियासी पीच है उस पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तमाम सब चीजें कैसे देखते हैं आप इन सब चीजें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने एक डीआईजी का संदर्भ लिया है डेवलपमेंट के बारे में, तो ये डीआईजी कहां से डेवलपमेंट का, जो जिसका जिंदगी गुजर गई लायन आर्डर के रक्षा में। लायन आर्डर एक दूसरा क्षेत्र है और डेवलपमेंट दूसरा क्षेत्र है। तो जो ड्राइवर अगर कोई कार का है वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता, और जो हेलीकॉप्टर का ड्राइवर है वो कार चला सकता है, वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। लेकिन ये तो ऐसा ड्राइवर है जो केवल कार का ड्राइवर है और ये हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात करता है, क्योंकि वो पायलट नहीं है। वही हालात डीआईजी साहब का है। डीआईजी क्या जानता है कि डेवलपमेंट का एबीसीडी क्या होता है? वो केवल आ गए हैं, उनको ये लगता है कि मैं भाजपा का खुशामद कर दूंगा, तो भाजपा का खुशामद करके अब भाजपा का लहर चल जाएगी, हमारी लाठी खुल जाएगी। वो मुगालते में है, उनके पास कोई पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। अफसर हो जाना एक अलग बात है। कानून व्यवस्था तो अच्छा चलाए थे ना, कह रहे हैं कि 2007 से 11 के बीच में मैं था, तो मैंने कहा उस समय की सरकार कौन सी थी, तो सरकार नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उस समय की कानून व्यवस्था, भाई आप कानून व्यवस्था चलाए थे, क्यों उस तरह का उस समय की कानून व्यवस्था था? अभी की कानून व्यवस्था का क्रेडिट लेके और भाजपा ज्वाइन करके और लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा ही तो करेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि जितने जोन हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन 85 के बाद से आज तक शासन का जो सिस्टम है लायन आर्डर से संबंधित, लायन आर्डर का जो सिस्टम का जितने संचालन करने वाली धुरियां हैं, मैं किसी भी फिगर पर, किसी भी लायन आर्डर के मानक पर इन डीआईजी का तो मैंने शक्ल भी नहीं देखा था कि उस शतरंज में ही हमको कहीं आंधी, होल पॉलिटिकल लाइफ ये तो दिखाइए हमको नहीं दिए। आज मैं जाना कि ये डीआईजी हैं और ज्वाइन कर लिए हैं, तो इनका लायन आर्डर, इनका कर्तव्य और इनकी लायन आर्डर के प्रति निष्ठा, इनका फैसला करके उनका कर्तव्य निष्ठा होती। और भी बातें हैं, क्या कहेंगे? दो अब तक तो 5 राज्यों की चुनाव देख रहे हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके रिजल्ट आने हैं। आप यूपी को किस तरह से देख रहे हैं? 80 सीट है यहाँ पर, 80 सीट में कौन कितने सीट दावेदारी रहेगी, कौन सी पार्टी जो है कितनी सीट ले जाएगी, क्या आपको उम्मीद लग रहा है? सर देखिए, 5 राज्यों के चुनाव अगर देखा जाए, जनता ने मोहब्बत के दुकान के कांग्रेस के पांचों के पांचों सीट जीत रही है गठबंधन के द्वारा। और रही बात सर उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी को पता है कि जो जैसे अखिलेश भाई हैं, बीएसपी हैं, कांग्रेस अगर मिल के चुनाव लड़ेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा सा लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ना वो लोग। तो अखिलेश जी कह रहे हैं 65 सीट पे हम दावेदारी करेंगे, 65 सीट पे लड़ेंगे। और बीएसपी की अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए, तो 2022 में कितने सीट लिए थे? 2 लिए थे कि 1 सीट जीते थे? बहुजन समाज पार्टी कितना सीट लिया? 2022 में 1 सीट थी, 1 सीट। और 2014 में कोई सीट ही नहीं मिला। देखिए, सपा का जब ज्वाइन हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, तो 10 सीट आया था, इसके बाद से 19 सीट हुआ, फिर अब 2 सीट हो गया। तो आपको लगता है कि सपा के बगैर कांग्रेस जो है यहाँ पर चल पाएगी?
सब चलेगी तो किस रणनीति से चलेगी? मन मानवर जी, जो जनता के प्यार है न सपा न बसपा और कोई, सपा के प्यार है राहुल भाई के साथ। जनता के जो प्यार है ना, जो मोहब्बत के दुकान जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक चले हैं, ये यूपी की बात, यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी की जनता चाह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ हराने वाला अगर पैदा हो रहा है तो राहुल भाई के सिवा और कोई नहीं है। ये देखते हैं क्या लगता है, गठबंधन कामयाब होगी यूपी में? कौन सा गठबंधन की बात है? अब गठबंधन आपको मालूम ही नहीं है, इंडिया गठबंधन जो चल रहा है। बोलो ना, इंडिया गठबंधन भी तो है, इंडिया गठबंधन भी तो है, आप बोलो पूछो तो। इंडिया इंडिया गठबंधन कामयाबी मिलेगा? अभी हम कैसे कह दें, अभी हमको तो नतीजे अभी 3 दिसंबर तक इंतजार करने हैं हमें विधानसभा के, उसके बाद हम आपको पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे कि क्या स्थितियां बनेंगी। थोड़ा सा एक सवाल है बस आप लोगों से, युवा लोग 2024 में युवा किसके साथ है? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव जी। आप भैया? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, आपको लगता है अखिलेश यादव जो सपा है उस कांग्रेस का वजूद सपा के बगैर कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। कांग्रेस यूपी में तो कुछ नहीं है, यूपी में कुछ नहीं। तो देखिए युवा भी जान रहे हैं इस चीज को, तो तमाम सब लोग हैं यहाँ पर। जिस तरह से हमने बातचीत किया कि आने वाले समय में किस तरह से क्या रणनीति रहेगी 2024 को लेके उत्तर प्रदेश में, अगर सीटों की बात किया जाए तो 2014 से आंकड़ा अगर जोड़ते हैं तो 2014 में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई भी सीट नहीं था, मतलब जीरो जीरो पे उनका बना था यहाँ पर। और फिर इसके बाद से 2019 में बात किया जाए तो 10 सीट सपा के बदौलत कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला था, बीएसपी को मिला था, और इसके बाद से तमाम 2022 तक भी देखा जाए तो यानी कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर देखा जाए, अगर गठबंधन की बात किया जाए, भाजपा एक अलग है मौजूदा सरकार, और गठबंधन की बात किया जाए तो सपा अगर कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस ये सोचती है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर हम लेके चले गठबंधन में तो क्या स्थिति रहेगी। स्थिति की जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो जो सीट की अभी तक आई है 2014 से हम जो आंकड़े जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि किस तरह से आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए कैसे उनको करना होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, द राजनीति के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।